वेलकम टू चार्ट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में स्टॉक टू ट्रेड फॉर नेक्स्ट वीक और मंडे के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला स्टॉक है फॉर नेक्स्ट वीक, दैट इज हैवेल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, पिछले 10 डेज का उसने ब्रेकआउट और उसके ऊपर क्लोज दिया। तो अब अगर ये आपका ये रेजिस्टेंस है 718, अगर उसको उसने पार किया मीन्स उसको अगर उसके ऊपर क्लोज हुआ तो 738 पहला टारगेट और उसके बाद पोजिशनली 7766। ओके, तो अगर मंडे या फिर नेक्स्ट वीक अगर आपको वापस यहाँ पे इस एरिया में आपको एक बार स्टॉक मिले 693 694 के आसपास 698 के आसपास, तो आप एक बार बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस ये कैंडल का लो रहेगा स्लाइडली बिलो 685। ओके, आपका टारगेट पहला 718, अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ 7340, ये दो टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो और पोजिशनली आपको 766 तक का वो टारगेट आपको दे सकता है। तो ये बढ़िया सा ब्रेकआउट हैवेल्स में आने वाला है, तो आप इस स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हो। दूसरा स्टॉक है SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के बहुत बहुत दूर है कंपेयर टू निफ्टी। सो अब बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगी और मैंने यहाँ पे SBI को इसलिए पसंद किया क्योंकि ये पोजिशनली स्टॉक आप रख सकते हो, नॉट फॉर नेक्स्ट वीक इवन पोजिशनली। तो आप ये जो अभी कैंडल बनी उसके ऊपर आपको बाय करना है मंडे या फिर नेक्स्ट वीक और वो 207 तक जा सकता है। ओके, अगर उसके ऊपर क्लोज हुआ तो फिर 217 एंड 231 जो अभी हाई है प्रीवियस वन मंथ का नियरली, तो वो वहाँ तक वो टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो SBI पे आप बढ़िया सा ब्रेकआउट हो सकता है और आपको गुड रिटर्न मिल सकता है। तो इस स्टॉक पे आप लेवल ध्यान में रखिए 209 और 207 और उसके बाद 219 एंड उसके बाद 232। तो ये दूसरा स्टॉक था। थर्ड स्टॉक है PVR। हमने PVR में लॉकडाउन के बाद ओपन थिएटर ओपन होंगे ये न्यूज़ की वजह से वो यहाँ पे उसने गैप अप ओपनिंग दी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, अराउंड 17-18% एक ही दिन में उसने मूवमेंट दी थी। ओके, अब देखो वो डाउन होके वहीं पे पिछले 3 दिन में वो सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल और पिछली कैंडल से इनर बनी है, एंगल्फिंग हो रहा है। तो अब आपको इसके ऊपर बाय करना है, दैट इज 21278। ओके, और मेरा टारगेट होगा 1302 पहला। दूसरा आप देख सकते हो अराउंड यहाँ पे 1318 और उसके बाद 1345। ओके, तो वापस जो ये हाई बना था उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है PVR एक बार। तो ये स्टॉक पे भी आप नज़र रख सकते हो। मेरा फोर्थ स्टॉक है वोल्टास। वोल्टास में भी आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट के बहुत करीब है, लेकिन यहाँ पे एक बढ़िया सा रेड कैंडल बना है, लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे से बढ़िया सा बाइंग प्रेशर आया है। तो अब आप इसको इसके ऊपर बाय कर सकते हो 698 के ऊपर और टारगेट ऑफ 711 और 712, अगर वो क्रॉस हुआ उसके बाद वो 732 तक जा सकता है। ओके, अगर डाउन साइड आए तो आपको ये ट्रेंड लाइन के नियर आपको बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 698 एंड 712। तो आप फाइंड करो अप्रोप्रिएट लेवल कहाँ पे आपको बाय करने के लिए। ओके, तो ये आप ये फोर्थ स्टॉक था मेरा वोल्टास। ओके, ये ट्रेंड लाइन के नज़दीक आपको बाय करना है, अगर इसके ऊपर कल ओपनिंग दी तो आप एक बार बाय कर सकते हो 713 के लिए। स्टॉप लॉस ये कैंडल का लो दैट इज 678 जो बहुत फार है। सो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सेटअप नहीं है, लेकिन अगर ये डाउन में आपको मिले तो ये बढ़िया सेटअप हो जाएगा। ओके, मेरा फिफ्थ स्टॉक है फाइनल स्टॉक, दैट इज इंडिगो। तो इंडिगो में भी आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, उसके ऊपर क्लोज भी दिया है। तो आप अगर अब आप इसको बाय करके चल सकते हो इंडिगो को। आज का जो क्लोज है 1368, अगर उसके ऊपर वो स्टार्ट हुआ सस्टेन हुआ तो हम 1415 तक वो इंडिगो जा सकता है। ओके, और पोजिशनली मेरा टारगेट है 1497। नेक्स्ट वीक के लिए आप 1413 के तक बाय कर सकते हो उसके टारगेट लिए। डाउन साइड यहाँ पे अगर आपको वापस मिले 1309 के नज़दीक तो आप बढ़िया साहब एक बार बाय करके वापस चल सकते हो। ओके, क्योंकि अगर आपने यहीं पे बाय किया है तो स्टॉप लॉस आप क्या रहेगा 1306। ओके, रिस्क 1:1 है अप्रोक्स, लेकिन अगर डाउन साइड आए और वो वहाँ पे 1350 1322 के नज़दीक आए तो आप वहाँ पे एक बार बाय करके चल सकते हो। ओके, फॉर अ टारगेट ऑफ 1414।
ओके सो ये मेरे 5 स्टॉक्स थे फॉर द नेक्स्ट वीक, दैट इज हैवेल्स, SBIN, PVR, Voltas एंड Indigo. ओके इफ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ अदर्स. थैंक यू.